कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के कटवारियासराय में, जहां पर आज एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिनको कहा जाए धूल में फूल। ये एक ऐसे कलाकार हैं जिनको ना इनकी पहचान है और ये इनकी जो कलाकारी है वो छुप के रह जाती है। आइए मिलवाते हैं एक ऐसे ही छुपे हुए कलाकार से। क्या नाम है आपका? दिनेश जी नाम है मेरा। मैं पहले ही गाता था, अब और कम में गाता हूँ। दिनेश जी, ये जो आप वैसे क्या काम करते हैं? मैं सप्लाई के होम डिलीवरी का काम करता हूँ सर। क्या किस चीज़ की सप्लाई? मेरा पानी सप्लाई, राशन सप्लाई, दूध सप्लाई, सारा सप्लाई है मेरा सब कुछ। जो ये इतना आप गाते हैं सुरीला, ये कहाँ सीखा आपने? सर मैं गाना पहले ही गाँव में से ही गाता था। मेरे यहाँ एक भागवत होती थी तब भी गाता था और उनके सुन सुन के मैं खुद गाना गाया ये गाँव में जो है। अच्छा, ऐसा कौन सा मशहूर गाना है जिसे आप अपने दिल से गाते हैं? मैं अपने दिल से अभी आपको सुनाना चाहता हूँ। जी जी, स्वागत है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। कभी हंसी आ जाती है, कभी जो आंसू बहते हैं, दुख सुख का ये संगम है। मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम भूल गया तो मैं अपना गम भूल गया। और सुनाओ। ये जो इतनी दर्द भरी फीलिंग आ रही है, सोच दिखाई दे रही है आपके चेहरे पे, ये कहाँ से आ रही है? ये सर मेरा गम जो है मेरा कर रहा है सब कुछ, जो भी कर रहा है। ऐसा क्या गम है आपका? सर मेरा क्या कर सकता हूँ सर, मेरा घर पूरा बर्बाद हो गया, उजड़ गया। मैं बर्बाद होके बैठ गई, तब ये मैंने अपना कोई चारा नहीं था मेरे पास, तो मैंने अपना ये काम एक आप जैसे भाइयों से मैंने पूछ के एक बताया भाई ने कि एक लम्बर अपने बांट दे और पानी पर अपना काम कर ले, इससे तरह काम धंधा चल जाएगा थोड़ा बहुत। मैं इसी से करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ सर, पूछो मत। आपके दर्द के हम भी साथ हैं, हम समझ सकते हैं, आपकी फीलिंग समझ सकते हैं। हम आपके लिए दुआएं करते हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। दुनिया में गमों की कमी नहीं है, लेकिन वो छुपे हुए हैं, उनसे बात करने पर सामने आते हैं। दूसरी बात, कलाकारों की भी कमी नहीं है, ज़रूरत है उनको पहचानने की, उनको सामने लाने की। कैमरामैन अशोक के साथ VP शर्मा, INS News। धन्यवाद।